हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 8। मैंने लेक्चर नंबर 7 में आपका चैप्टर 1 फिनिश किया था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए फ्रेश चैप्टर, चैप्टर 2। चैप्टर 2 नेम इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उसके इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी जो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग से यूज करना है। अभी मैं जो आपको बताऊंगी वो एक्सरसाइज 1 में यूज होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके नए टॉपिक्स आते जाएंगे उसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको उसके साथ साथ बताती जाऊंगी। ओके, लेट अस स्टार्ट द पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन। हम पहले थोड़े डेफिनेशंस, थोड़े पॉइंट्स आपको बताती हूँ जिसे आपको यूजफुल होगा आपके एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट पॉइंट जो आपको पॉलिनोमियल्स में ज्यादा यूज होगी वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब आपको पता ही होगा, वेरिएबल्स इज नथिंग बट इंग्लिश अल्फाबेट्स। हम हमारे पॉलिनोमियल्स में कोई भी अल्फाबेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स का मतलब। ए सिंबल विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड, ए सिंबल विच टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। यानी कि ये कह रहा है कि वेरिएबल्स एक ऐसे सिंबल्स हैं जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज उसको प्रोवाइड करता है, टेक्स करता है। मतलब अगर आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हमें x इज इक्वल टू 5 आता है, कभी कभी y इज इक्वल टू -2, -3, 0। यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हर एक क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग से उस वेरिएबल की वैल्यू होती है और हम वेरिएबल्स को स्मॉल ABCD से डिनोट करते हैं। ओके, इंग्लिश अल्फाबेटिकल, वो भी स्मॉल लेटर्स। ओके, ये है वेरिएबल्स। नेक्स्ट है टर्म्स। टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरिएबल एंड ए कॉन्स्टेंट। यानी कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को कॉम्बाइन करके जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे भी हो सकता है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है अलजेब्रिक। यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट है ना, उन दोनों को कंबाइन किया तो ये पूरा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या तो हम इसे ये भी कह सकते हैं इट इज ए टर्म, एक टर्म बन गया है ना। अब इसमें देखिए 5 जो वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है, फ्रंट ऑफ द वेरिएबल जो नंबर होता है, दैट इज सेड टू बी कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल। हम उसे कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल कहते हैं। और जो वेरिएबल है उसे तो हम नॉर्मली वेरिएबल से यूज करते हैं, और जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। 2 इज सेड टू बी एक्सपोनेंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x इज सेड टू बी वेरिएबल ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड 5 इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मेन टॉपिक जो हमारे टॉपिक का नेम है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए n x पावर n प्लस ए n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस ए n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 सो ऑन ए 1 x पावर 1, कोई पावर नहीं है मतलब 1 प्लस ए 0। अब x पावर 0 आप लिख सकते हो और कोई भी नहीं, मतलब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेयर ए n नॉट इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू an, यहाँ पे an जो आप स्टार्ट करोगे वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। an नॉट इक्वल टू 0 एंड a0 a1 सो ऑन an आर कॉन्स्टेंट एंड n इज द होल नंबर, कोई भी नंबर n की जगह पे कोई भी नंबर 1, 2 जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसके लिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपको दिया है x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस सेवन। यहाँ पे x की पावर डिक्रीज होती जा रही है, टू थ्री टू वन, कोई कांस्टेंट के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब x पावर जीरो आप लिख सकते हो। तो वही है, देखो n, n माइनस वन, n माइनस टू, सो ऑन, n पावर जीरो, उसी तरह से ये बना है, ओके। और कांस्टेंट में आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। पॉलिनोमियल मीन्स द वेरिएबल, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने वाले एक्सप्रेशन को हम, पावर्स के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। एंड इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, यहाँ पे हमने वेरिएबल एक्स ही यूज किया है, इसलिए हम पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इसे कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होती है। जो भी पॉलिनोमियल अगर आप चेक कर रहे हो, देख रहे हो, उसका जो हाईएस्ट पावर है, देखिए यहाँ पे पावर थ्री है, पावर टू, पावर वन, पावर जीरो, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दीजिए, अब देखिए ये वाला पॉलिनोमियल जो है वो सिक्वेंसली अरेंज नहीं किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, आपको पावर बड़े से लेके बिग टू स्मॉल अरेंज करना, नहीं अरेंज है, फिर भी आप इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है, जो सबसे ज्यादा पावर है, तो आपका सबसे ज्यादा पावर क्या है, यही, तो हम क्या कहेंगे, हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यही, ओके। आपको कॉन्स्टेंट नहीं देखना है, ना तो आपको कॉन्स्टेंट का कोई सिंबल देखना है, आपको सिर्फ वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसे ही देखना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। पहले तो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब मैं आपको यहां बताती हूँ। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ए नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर, फाइव, माइनस सेवन, 25, ये सारे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई वेरिएबल नहीं दिया है, ना तो वेरिएबल का, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि x पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो हम फाइव इंटू वन करेंगे तो क्या आएगा, फाइव। तो इसकी डिग्री क्या है, ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है जीरो। तो यहाँ पे भी वही यूज किया है, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। नॉन जीरो मतलब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो नहीं होना चाहिए, वो कंपलसरी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसकी डिग्री जीरो है। अगर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है तो उसकी डिग्री क्या होगी, द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो डिफाइन नहीं की गई है, और अगर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको समझ में आया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो उसकी डिग्री हमेशा जीरो आएगी। अगर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन, ओके। और जीरो वाले कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, द डिग्री, अब ये है डिग्री कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब आपको लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है एक, वन, है ना। तो देखिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है वैसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ, ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। मैंने यहाँ पे लिखा है ए एक्स प्लस बी, यानी कि देखो यहाँ पे ए और बी की जगह पे कोई भी नंबर ले लीजिए, टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, वन, है ना। ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री वन है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। और उसका जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी, वे ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ए कामा बी आर कॉन्स्टेंट, और ए और बी जो होते हैं वो कोई भी नंबर ले सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू।
ए पॉलिनोमियल विच डिग्री इज टू, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री टू होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यानी कि देखिए, ए और बी की जगह पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए. एग्जाम्पल में यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया, देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. इसकी हाइएस्ट पावर क्या है? टू. यानी कि ये डिग्री टू है, टू वन जीरो, डिग्री भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री टू होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. यहाँ पे भी एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं, नाइन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री. इस तरह से, जरूरत नहीं है कि सारे प्लस ही होने चाहिए, बस इतना है कि डिग्री थ्री होनी चाहिए, चाहे सिंबल कुछ भी हो सके. ओके, अगर डिग्री थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल. ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना. अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तो आपको पता ही है. जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होता है, वन टर्म होता है, उसे हम मोनोमियल कहते हैं. जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म्स होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं. और जिस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं. ये है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एट विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. ये कह रहा है कि नीचे आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उस पॉलिनोमियल से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन भी आपको देना है. ओके, अगर आप कहते हैं कि वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो रीजन आपको देना है. तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7. तो यहाँ पे देखिए, वेरिएबल जो है वो सारे सेम है, एक्स एक्स है ना. अब डिग्री देखिए, डिग्री आपको देखनी है, डिग्री टू वन. अब डिग्री जो है वो होल नंबर्स में है, यानी कि वन टू थ्री, सिंपल सी है जो होल नंबर्स में, जो काउंटेबल डिग्री है ना. तो इसे हम कहेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल करके हम कह सकते हैं. क्यों कहा मैंने ये वन वेरिएबल में? बिकॉज हमने क्यों कहा इसे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल? बिकॉज इन ईच टर्म, हर एक टर्म में, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म 3x - 3x है, तीसरा टर्म 7 है ना. इन ईच टर्म, हर एक टर्म में द एक्सपोनेंट, यानी कि पावर. एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर. 2, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 होता है. पावर ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है यहाँ पे? x इज होल नंबर है. हर एक का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में है, सिंपल वाला नंबर है जो काउंटेबल है, इसलिए हमने इसे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. y² + √2 इज ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. क्योंकि देखिए वाई स्क्वायर है, भले ही यहाँ पे रूट टू है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है. यहाँ पे वेरिएबल क्या आएगा? y पावर 0 आ सकता है ना. तो देखिए y स्क्वायर प्लस वाई, ये नहीं दिया है आपको, y स्क्वायर प्लस रूट टू, तो इट इज ऑल्सो ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल करके बोल सकते हैं. इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल से बनाया हुआ पॉलिनोमियल है. क्यों? बिकॉज इन ईच टर्म, यहाँ पे भी हर एक टर्म में एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है ना. वाई का एक्सपोनेंट क्या है? 2, जो वेरिएबल ऑफ y, एक्सपोनेंट वेरिएबल ऑफ y इज होल नंबर. इसलिए मैंने इसे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3,
थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, पहले मैं इसे अरेंज कर देती हूँ, थ्री रूट टी प्लस रूट टू टी, ये जो रूट है वो टी को बिलोंग करती है और ये जो रूट है वो टू को बिलोंग करती है, टी को बिलोंग नहीं करती। पहले इसे देखिए, पावर में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पावर कहाँ है, तो मैं इस रूट को हटा देती हूँ। रूट का मतलब होता है वन अपॉन टू, आपको मैंने पहले भी बताया है, तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा वन अपॉन टू, और यहाँ पे तो कोई रूट है नहीं तो ये टी ही रहेगा, यानी कि वन है ना। अब देखिए इसका पावर कैसा है, वन अपॉन टू, क्या वन अपॉन टू होल नंबर है, वन अपॉन टू तो फ्रैक्शन है, वो होल नंबर है ही नहीं, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज नॉट ए वेरिएबल ऑफ, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, हम इसे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोनेंट ऑफ टी है इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि टी का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम वेरिएबल ऑफ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फर्स्ट टर्म का है ना, एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज नॉट होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है, इसलिए हम पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। ओके, आई थिंक यू आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, y प्लस टू अपॉन वाई। अब देखिए इसे तो पावर नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y, ये कैसा है, वन अपॉन वाई विच इज इक्वल टू वाई पावर माइनस वन, ए पावर वन बाई ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर माइनस n, यानी कि मैं इसे पावर ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये देखिए y के ऊपर जो पावर है, एक्सपोनेंट है, क्या वो होल नंबर है, नहीं, इट इज ए नेगेटिव नंबर, तो हम इसे कह सकेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्यों? बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वाई इज नॉट होल नंबर, क्योंकि y का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो नेगेटिव है, इसलिए ये वन वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर, ये देखिए यहाँ पे x y t वेरिएबल अलग अलग यूज हुए हैं, क्या ये कहोगे कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं कहूंगी यस। क्यों? हर एक वेरिएबल में पावर जो है वो होल नंबर है, द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल, एक्स का वेरिएबल जो है पावर 10 होल नंबर, वाई वेरिएबल का पावर 3 होल नंबर, टी का वेरिएबल जो है पावर 50 वो भी होल नंबर है, तो मैं इसे यस कहूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग में पॉलिनोमियल्स दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है पॉलिनोमियल में, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको क्या लिखना है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कोफिशियंट बताया था, जो एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट का मतलब क्या था, जो वेरिएबल के सामने जो नंबर है उसे कोफिशियंट कहते हैं, एग्जैक्टली बाजू में। ओके, एग्जैक्टली बाजू में जो नंबर खड़ा है वेरिएबल के उसे कोफिशियंट कहते हैं। अब आपको किस चीज का कोफिशियंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, हर एक में पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये वाला, इसके कोफिशियंट क्या होगा, मतलब एक्स के बाजू में जो नंबर, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर नंबर नहीं दिया है तो आपको वन समझना है, तो आंसर क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, प्लस है इसलिए मैंने वन लिखा है, अगर यहां पे माइनस होता तो आपको माइनस वन लेना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जो अभी मैंने आपको बोला अगर माइनस है तो माइनस लेना है, सो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर यहां है कोई नंबर नहीं है तो वन लगा दीजिए, तो क्या हुआ माइनस वन। क्वेश्चन नंबर थ्री, पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इज हियर एंड द बिसाइड नंबर इज पाई बाई
टू, ये पूरा पाई बाई टू जो है वो एक्स की बाजू में, एक्सैक्टली बाजू में. तो द कोफिशियंट, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई टू. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, रूट टू एक्स माइनस वन. अब बताइए यहां पे क्या एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर टर्म है. एक्चुअली यहां पे तो एक्स स्क्वायर टर्म ही मिसिंग है. तो अगर आप मैं यहां पे लिख भी दूं जीरो एक्स स्क्वायर, तो क्या नहीं कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. अब बताओ द कोफिशिएंट, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग, आंसर जीरो ही है. तो मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए जो आपको समझ में आए, तो मैंने वहां पे जीरो एक्स स्क्वायर ऐड कर लिया. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो. और अगर ऐसा भी आपको याद ना आए, जो पावर ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो ही होगा. ओके, ये है क्वेश्चन नंबर टू. अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या दिया है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. यहां पे कह रहा है कि गिव सम वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री. आपको बाइनोमियल टर्म बताना है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35. पहले आपको एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल फॉर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 32. ऐसे टर्म्स बनाए, जो भी आपको बनाना है, जो भी एग्जाम्पल आपको देना है आप दे सकते हैं. बस कंडीशन ये है कि वो बाइनोमियल होनी चाहिए और उसकी डिग्री भी 35 होनी चाहिए. तो चलो कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2x^35 - 5 हो गया ये बाइनोमियल. टू टर्म्स हैं और डिग्री भी 35 है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग से ये एग्जाम्पल हो गया. और दूसरे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, 20 - 20x^35 + 2. आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि वो बाइनोमियल होनी चाहिए और उसकी पावर 35 होनी चाहिए. इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. अब दूसरा, एंड ए मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. आपको मोनोमियल टर्म लेना है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए. चलो उसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं. मोनोमियल मतलब वन वेरिएबल, मोनोमियल मतलब होता है वन, है ना. तो कोई भी वन ले लीजिए, -x^100 - 25x^100 + 30x^100. इस तरह से कुछ भी ले लीजिए. देखिए एक सिंगल टर्म है, यानी कि इट इज ए मोनोमियर और उसका पावर भी 100 है. तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग से वो तो जो उनको चाहिए था वो हमने दिया है. इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, सो ऑन एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. आपको पॉलिनोमियल नीचे दिए हैं, उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है. तो मैंने आपको डिग्री का डेफिनेशन बताया था. डिग्री का डेफिनेशन क्या है, द हाइएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जो पॉलिनोमियल की जो हाइएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. तो क्वेश्चन वन क्या है, क्वेश्चन वन इसमें क्या दिया है हमें, फाइव एक्स क्यूब प्लस 4x² + 7x. अब बताइए इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, ऑब्वियसली यही कहोगे 3. 3 इज द पावर, जो पावर ज्यादा होता है वो ही डिग्री है. तो देयरफॉर 3 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, है ना. सेकंड क्वेश्चन, 4 - y², तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 इज द हाईएस्ट. देयरफॉर 2 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. थर्ड क्वेश्चन, 5t - √7. तो डिग्री क्या है यहाँ पे, 1. कोई पावर डिग्री नहीं दी है, मतलब 1 होता है. तो इसकी क्या आएगी, देयरफॉर 1 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्वेश्चन डी क्या है, 3. इसकी डिग्री क्या है, कोई डिग्री नहीं है, मतलब आप x^0 लिख सकते हो. ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0. ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0, ये मैंने आपको बता भी दिया था. देयरफॉर 0 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग हैज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. यानी कि नीचे आपको थोड़े पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उस पॉलिनोमियल से आपको बताना है कि
जो पॉलिनोमियल आपको दिया है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स? तो देखिए, ये मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताया था. लीनियर का मतलब द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री वन. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है उसे लीनियर कहते हैं. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री टू होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड जिस पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब देखिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू. तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि उसकी डिग्री टू है. ओके, क्वेश्चन टू है एक्स माइनस एक्स क्यूब. ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? थ्री. तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर. इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? टू. देन इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना. डिग्री टू होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर डी, वन प्लस एक्स. डिग्री क्या है एक्स की? वन. इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री वन होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, थ्री टी, यानी कि डिग्री वन है, देन इट इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज द डिग्री वन. द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री वन इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. आर स्क्वेयर, इट हैज डिग्री टू, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री टू, हाईएस्ट डिग्री टू, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, एक्स क्यूब. इट हैज डिग्री थ्री, द हाइएस्ट डिग्री इज थ्री. इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. दिस इज द टॉपिक ऑफ टूडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद ए न्यू टॉपिक. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो. थैंक यू, सी यू लेटर.